वेलकम टू द न्यू ब्लॉक। तो अभी हम इस टाइम खड़े हुए हैं चारबाग पे और हमारी ट्रेन है 11:40 पे जो कि आगरा के लिए, एक दिन के लिए आगरा जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए, और वो भी आज अकेले हैं। तो देखते हैं सफर कैसा क्या रहता है। तो अभी 11:10 हुआ है और स्टेशन पे आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आएगी, तो चलते हैं पता करते हैं। और रात में चारबाग की सुंदरता की बात करूँ तो आप लोग देख ही सकते हैं सामने, एकदम बेहद ही प्यारा लग रहा है, जो कि इसकी लाइटिंग के कारण और इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। तो अपना लखनऊ, ये रही यहाँ की डिस्प्ले, और ये पटना कोटा एक्सप्रेस जो कि हमारी ट्रेन है, तो इसी से हम चलेंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी, तो चलते हैं अंदर। अभी प्लेटफॉर्म 6 पे तो आ चुके हैं, अब ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आ जाए तब तक वेट कर लेते हैं। तो अभी खाने पीने के लिए सामान ले लिया है और पानी की बॉटल ले ली है। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारा कोच नंबर है S11, तो चलते हैं। स्लीपर का टिकट है हमारा, तो ये सारे कोच स्लीपर के हैं जो कि S4 है और हमारा शायद पीछे होगा S11, तो चलते हैं। ये रहा स्लीपर कोच, इसमें कि हमारी सीट नंबर है 22 की, ये रही, यही है सामने तक। तो अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है। चारबाग से निकल चुकी है आगरा के लिए, अब 6 घंटे का सफर है आगरा तक का, तो इसे सो के ही बिताएंगे क्योंकि स्लीपर का टिकट है, आराम से सोते हुए चलेंगे। और अगर रास्ते में उठे तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो सीधे आगरा में मिलते हैं। 6 hours later, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। तो अभी जस्ट आगरा पहुंच चुके हैं, ट्रेन 1 घंटा पूरे लेट थी और सनराइज होने वाला है, सामने हो रहा है। रात की ट्रेन से आने का मेरा एक ही मकसद था कि रात में सोते हुए आए। आगरा में इतना कुछ नहीं है कि एक दिन के ऊपर लगे घूमते हुए, जो भी जितना कवर कर पाएंगे उतना घूमेंगे, शाम को फिर ट्रेन से चलेंगे लखनऊ वापस। और ये रहे सामने आगरा छावनी स्टेशन, और इसके बाहर ही लिखा हुआ है आई लव आगरा। अभी चलते हैं यहाँ से ऑटो वगैरह देखते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल बेस्ट गेट, मतलब पश्चिमी गेट पे, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी है, तो चलते हैं। सही गेट से एंट्री ली तो शाही फील हो रहा है ताजमहल की ओर, जैसे ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गर्मियों में ताजमहल घूमने का सबसे सही समय होता है सनराइज के समय, जो कि सनराइज के काफी देर से हो रखा है, और अभी समय हो गया है 6:30, तो चलते हैं देखते हैं। हाँ, अगर गाइड वगैरह मिलेगा तो गाइड लेके घूमेंगे, क्योंकि गाइड लेके घूमने में एक अपना अलग ही मजा होगा, हिस्ट्री जानेंगे कुछ खास। मैं एक बार आ चुका हूँ, पिछली 2018 में आया था फर्स्ट टाइम, और ये मेरा सेकेंड टाइम है। के अंदर एंटर हो चुके हैं, यहाँ से आप लोगों को ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, चाहे आप घर से कर लें या यहाँ के करवा लें, वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, और हमारे साथ आज भैया हैं, गाइड भैया हमने कर लिए थे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा गुड नेम अरमान, अरमान भैया है हमारे साथ।
तो आज यही हमको अच्छे से ताजमहल घुमाएंगे, क्योंकि जो मजा हिस्ट्री सुनने में है वो मजा ऐसे ताजमहल में नहीं घूमने में है। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। फिर वेलकम टू द ताजमहल, माय नेम इज अरमान एंड जिस गेट से हमने एंट्री लिया, गेट को बोलते हैं ताजमहल का। वेस्ट गेट, सामने वाले गेट को बोलते हैं ताजमहल का। साउथ गेट, और उसको बोलते हैं ताजमहल का मेन गेट, हिज कॉल लाइक द ताजमहल का ईस्ट गेट। और दिस इज द रॉयल गेट इन ताजमहल, हिज कॉल लाइक द रॉयल गेट। ये ताजमहल का रॉयल गेट है। रॉयल गेट क्यों बोलते हैं? शाहजहां और मुमताज के जो फैमिली मेम्बर थे वो रॉयल परिवार के लोग थे, तो रॉयल गेट से आना और रॉयल गेट से आना, इस गेट को बोलते हैं ताजमहल का रॉयल गेट। सामने वाले गेट को बोलते हैं ईस्ट गेट, इस गेट को बोलते हैं ताजमहल का वेस्ट गेट, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एंट्री गेट। और साउथ गेट को बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट, जिन वर्कर ने ताजमहल पूरा वर्कर्स ने ताजमहल बनाया वही लोग वहां रहते हैं। 22,000 लोगों ने मिलकर ताजमहल को बनाया, 22 साल में ताजमहल बनकर चालू हुआ पूरा। इस पूरे एरिया को बोलते हैं ताजमहल का फोर कोर्ट एरिया, इंग्लिश में। हिंदी बोलते हैं घर का आंगन, बोले तो ताजमहल के बाहर का आंगन फोर कोर्ट एरिया। हमारे बोलते हैं कि फोर गार्डन, दैट्स व्हाई कॉल्ड द फोर कोर्ट एरिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाहजहां और मुमताज के लिए ताजमहल जो बना वो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया, और इसके बारे में आपको आगे बताएं। पहले हम ही आए होंगे, और यहाँ आके तो एकदम काफ़ी क्राउड लग रहा है। देखिए भीड़ काफ़ी आप लोगों को देखने सुबह सुबह के टाइम मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ताजमहल का अंदर वाला एरिया, इसको बोलते हैं रॉयल गेट के अंदर का एरिया, इसको बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया के अंदर का एरिया। देख रहे हैं पूरा प्लेटफॉर्म, इसकी फोटोज का प्लेटफॉर्म होता है। फर्स्ट पॉइंट फोटोज का ये होता, सेकंड को होता थर्ड को पार्ट, देख रहे हैं ऊंचा वाला लास्ट पॉइंट फोटोज का वो वाला। उसके आगे फिर हम लोग फोटोग्राफर आगे नहीं जाते, क्योंकि ताजमहल जो प्रॉपर नहीं दिखता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ताजमहल आपको पूरा देखने को मिलेगा, जितना हम आगे जाएंगे ताजमहल उतना छोटा होता जाएगा, ताजमहल का पार्ट उतना छोटा है। ओके आइए, बैकग्राउंड फोटो खींचने के लिए ये फोटो पॉइंट बना हुआ है, तो इस पे आके आप लोग फोटो खींच सकते हैं, जिससे कि ताजमहल बैकग्राउंड में आएगा क्लियर। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ताजमहल का जो लास्ट पॉइंट है फोटोज का वो वाला पॉइंट है, उसको बोलते हैं ताजमहल का सेंटर टैंक, जो उसको हमने क्रॉस कर दिया। लास्ट पॉइंट फोटोज का कैसे है वो, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ताजमहल का जो एक पार्ट है वो छुप रहा है, हमारा एक पिलर छुप रहा है। जितना हम ताजमहल करी जाएंगे ताजमहल एक पार्ट छुपता जाएगा। ताजमहल के अंदर आने के एंट्री के पहले एक टिकट होता था, और ताजमहल के दो टिकट हो चुके हैं, 60 और 260। 60 रुपीज़ का टिकट जो है नीचे नीचे घूमने का है, 200 का टिकट है उस वाले मकबरे पे जाने का। फर्स्ट टाइम जो विजिट करे वो जरूर अंदर जाए, जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रहा है उसको अंदर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी ताजमहल पूरा घूम सकता है। 60 रुपीज़ क्योंकि ऊपर का 200 रहे चार्ज, ऊपर का चार्ज 200 रुपीज़ का है, तो एक बार आदमी देख लेगा तो ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ऊपर जो है नकली समाधि बनी है असली वाली बंद कर दी है, जैसे कि लोग खड़े ऊपर ऐसे ही आपको खड़े हो जाएंगे लोग ऊपर जाके। फिर आप देख सकते हैं कि ताजमहल के बराबर आप देख सकते हैं वो ताजमहल का मस्जिद है, वो ताजमहल का मस्जिद है, वो ताजमहल का गेस्ट हाउस है। ओके, ताजमहल के जो फोर फ्लोर आप देख रहे हैं दिखने में आपको सीधा होगा, लेकिन टॉप जो देखिए सब ट्रेन लोग वाला इस तरफ और वाला उस तरफ, राइट। अच्छा, ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है सर कि भगवान ने करे आने वाले समय में आर्थिक भूकंप या बाढ़ वगैरह आएगा, तो ये पिलर ताजमहल में नहीं करेगा, मस्जिद की तरफ वो करेगा, गेस्ट हाउस की तरफ, दोनों पीछे ले जाएगा रिवर की तरफ। अच्छा, बिल्डिंग कोई डैमेज नहीं होगा, इस तरीके से आर्किटेक्ट ने सोच के बनाया ताजमहल। जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल के अंदर 16 गार्डन एंड 52 फाउंटेन, तो 1652 में ताजमहल बनने कंप्लीट हुआ था, 1630 में ताजमहल बनना चालू हुआ। जैसा रॉयल गेट हमने बाहर से देखा था, ऐसी रॉयल गेट हमको अंदर से देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा ये सेम है अंदर, सेम है अंदर का ताजमहल, जब पूरा 22 साल में तैयार हुआ, 22,000 लोगों ने मिलकर ताजमहल को बनाया। आज से 400 साल पहले कोई कैलेंडर या कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता था, जो आप टोम देख रहे हैं लाइन से लगी वो, ये ऊपर वाली सामने ऊपर वाली टोम जो लगी, हाँ ये दिख रहा है, ये टोम जो है इसको बोलते हैं 11 टोम, 11 इधर लगी, 11 उधर लगी, 11 प्लस 11 22
22। इसको काउंट करके मालूम पड़ा ताजमहल पूरा 22 साल में बनकर तैयार हुआ, आज से 400 साल पहले का कैलेंडर था। और जैसे ही ताजमहल के करीब बढ़ रहे हैं तब शाही फील हो रहा है हमको भी। और ताजमहल के जितना आप करीब जाओगे ताजमहल आपको उतना दूर जाएगा, जितना आप दूर आओगे ताजमहल उतना करीब आएगा। हाँ, ये यहाँ का एल्यूजन है, ये एल्यूजन है यहाँ का। क्यों है? क्योंकि ताजमहल जो है 4 साइड सेम, ताजमहल चारों तरफ से सेम देखने को मिलता है। फिर आप देख सकते हैं वो स्टोन, देख रहे हैं आप लोग को धूप में दिख रहा है भैया? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वो सारे स्टोन को बोलते हैं एब्लॉनिश फ्रॉम द न्यूजीलैंड। वो एब्लॉनिश वाले स्टोन है जो मून लाइट में चमकता है, लेकिन ये स्टोन ऐसा जो अपनी सूरज में चमकता है। ये मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है कि लोग जब इसको लगा रहे थे ताजमहल में तो उनके ब्लीडिंग होने लगती थी। वो हम जब हमारा ब्लॉग पूरा क्लोज करेंगे उसके बाद हम पूरा वीडियो एंड तक दिखाएंगे। हम ये भी दिखाएंगे ताजमहल को कारीगरों ने किस तरीके से बनाया। हम ये तो दिखा रहे हैं ताजमहल कैसे बना, हम इसके बाद ये भी दिखाएंगे ताजमहल को कारीगरों ने कैसे बनाया। पेंटिंग और स्टोन दिख रहा है, बट इज नॉट अ पेंटिंग नॉट अ स्टोन, इट्स नॉट अ पेंटिंग एंड नॉट अ स्टिकर, दिस इज द स्टोन, स्टोन ऑफ द इनले वर्क, इज कॉल्ड लाइक द इनले वर्क। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनले वर्क, हिंदी बोलते हैं पच्चेकारी। ताजमहल के बिल्कुल पास आ चुके हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग्स लग रही हैं। और जितना आप करीब जाएंगे ताजमहल दीवार से बनते जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल एक दीवार से दिख रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए एकदम करीब आ चुके हैं हम लोग, और जितना ही करीब आते जाएंगे उतना ही दूर और बड़ा दिखेगा। और सुबह की टाइम भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी है, हमें लगा था कि शायद से भीड़ नहीं होगी। खाली है। हाँ भैया बिल्कुल खाली है ताजमहल अभी। अभी सोच लो आप और मैं और तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे, भीड़ देख लेंगे तो डर जाएंगे आप भीड़ देख। दोपहर में ज्यादा होते हैं? दोपहर में कम से कम 10-12 हजार आदमी आ जाए। हाँ 10-12 हजार, 20 हजार आदमी पर्यटक विजिट कर रहे ताजमहल के अंदर। अच्छा आइए। और बाहर आप लोगों को 60 रुपीज का टिकट मिल जाएगा, चाहे तो अंदर भी ले सकते हैं 200 वाला टिकट जो कि ऊपर जाने के लिए होता है, और वहाँ पे फिर चेकिंग होता है ऊपर जाने के लिए। और ये रहा हमारे पीछे टिकट काउंटर, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अंदर भी आप लोगों को टिकट मिल जाएंगे। और ताजमहल चारों तरफ से देखो बिल्कुल सेम ही दिखेगा। इसको बोलते हैं ताजमहल का मस्जिद। मस्जिद जो है शाहजहां ने बनाई थी वर्कर्स के लिए, जो 22 साल मजदूरों ने ताजमहल के अंदर काम करा, तो वो लोग 2-3 किलोमीटर जाना 2-3 किलोमीटर से आना, तो आने और जाने में काफी टाइम वेस्ट होता था, इसलिए शाहजहां ने वर्कर्स के लिए मस्जिद बनवाया यहाँ पे। इसको बोलते हैं ताजमहल की मस्जिद। यहाँ मस्जिद बनी थी नमाज पढ़ने के लिए, जो अब होती नमाज फ्राइडे टू फ्राइडे, ईद और बकरीद एंड रमजान में 30 जैसे रमजान चल रहे ना अभी, तो उसमें रात में नमाज होती ना, तो वाली नमाज होती यहाँ पे। मैंने सुना है रमजान में ये ताजमहल फ्री में घूम सकते हैं। फ्री में घूमते हैं, रात में हम लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फ्री टिकट है। हाँ। जुमे को आप फ्री टिकट है। अच्छा। लेकिन अगर नमाज के लिए आएंगे तो कॉर्नर से आएंगे, ओनली नमाज पढ़ के सीधा कॉर्नर से चले जाएंगे। तो टूरिस्ट अलाउ नहीं होगा ना? ओनली 500 मीटर के अंदर के लोग। अच्छा। आधार कार्ड देख के एंट्री होता है। जैसा कि हमने आप लोगों से पहले ही बताया था कि ये मेरा घूमने का ताजमहल सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं ऊपर का मकबरा भी देखने गया था, उसका चार्ज पड़ा था 200। देख चुका हूँ मैं तो क्या ही देखना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो ऊपर मकबरा जरूर विजिट करें। यमुना रिवर। अभी हम आ चुके हैं ताजमहल के बैक साइड जो कि है पास में हमारे यमुना रिवर। तो ये गंदी लग रही क्या? अच्छा सामने ये मेहताब बाग होगा, इसको बोलते हैं अंदर का मेहताब बाग। मैंने सुना है कि यहाँ ऊपर शूटिंग अलाउ नहीं है। नो। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए शूटिंग, इसीलिए आप लोगों ने ज्यादातर ताजमहल की शूटिंग या तो इस जगह से देखी होगी जहाँ पे हम हैं, या तो साइड में वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ। अभी हमको मैं बाहर लेके जाऊंगा ना। हाँ। तो वहाँ आपको दिखाऊंगा, वहाँ लिखा होगा वीडियो कैमरा इज नॉट अलाउड। अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसको बोलते हैं ताजमहल का यमुना रिवर। सामने आप देख सकते हैं वो आगरा किला। ओके। वो देख सकते हैं वो है मेहताब बाग। ताजमहल के पीछे बना ताजमहल का मेहताब बाग जो शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था। वो जो क्यों बना था, वो बना था काला ताजमहल भी बोलते हैं उसको। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में कि व्हाइट ताजमहल के बाद काला ताजमहल ही बन रहा था। वो क्यों बन रहा था? शाहजहां जो है काला ताजमहल अपने लिए बनवा रहे थे पर्सनल, जो नहीं बना। क्यों नहीं बना? 400 ओल्ड बैट दैट टाइम टैक्स और बैट दोनों का खर्चा बहुत आ रहा था, इस चक्कर में नहीं बना। शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब, उन्होंने शाहजहां को मना करा कि आप ब्लैक ताजमहल नहीं बनवाओ। जब शाहजहां नहीं माना, उठा के लाल किले के अंदर शाहजहां कैद कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताजमहल के पीछे जो पेड़ लगे ना, ये दीज आर द वेरी गुड पेड़। ये पेड़ की क्वालिटी ये है
का पेड़ जो है आपको दिखने में नॉर्मल से पेड़ लग रहे होंगे, लेकिन इस पेड़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बाग बनाया है इन लोगों ने, इसलिए इसको बोलते हैं मेहताब बाग, क्योंकि हर पेड़ के अंदर कटिंग एक डिजाइन दी गई है इन्होंने। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने मस्जिद देखा था ऐसे शेप से, उस गेस्ट हाउस बना ताजमहल का, गेस्ट हाउस मस्जिद जो बना था वो नमाज पढ़ने के लिए बना था वर्कर्स की, और गेस्ट हाउस जो बना वो इसमारे बना था कि जो वर्कर ताजमहल के अंदर जो काम करते थे वो लोग वहाँ बैठते थे। ताजमहल जो बनके तैयार हुआ लकड़ी के ऊपर बनके तैयार हुआ, जब वहाँ मस्जिद बनाया तो ताजमहल का बैलेंस पूरा आउट हो रहा था, ताजमहल के नीचे लगी लकड़ी लगी, उस लकड़ी को बोलते हैं आबनूस, उस लकड़ी के ऊपर पूरा ताजमहल बनके तैयार हुआ। लकड़ी का क्या नाम है? आबनूस। आबनूस यस सर, जो इराक से आई थी। ओके यस, उस वहाँ मस्जिद बनाया है, यहाँ गेस्ट हाउस बनाया ताकि बीच वाला पार्ट पूरा बैलेंस पे बना रहे। और ताजमहल के नीचे जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है उसका फैक्ट ये है कि नदी के किनारे ताजमहल है, तो उसका फैक्ट यही है कि उसको जितना पानी मिलेगा उतनी ही वो मजबूत होती जाएगी। आप देख सकते हैं सामने स्टोन ग्लो कर रहा होगा, चमक तो दिख रहा होगा आपको। हाँ दिख रहा है। तो वो स्टोन को बोलते हैं एप्लोसिस फ्रॉम द न्यूजीलैंड, रेड वाले स्टोन को बोलते हैं कॉरलियन कम फ्रॉम यमन, एंड ग्रीन वाले को बोलते हैं मेलाकाइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ब्लैक वाले को बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स फ्रॉम द बेल्जियम। ऐसे ही 16 कंट्रीज से स्टोन इनलेट किया गया ताजमहल के अंदर। ताजमहल के अंदर स्टोन बनने के बाद, ऐसे स्टोन काटने के बाद वन वन करके लगाया गया था स्टोन। तो ये रहा सामने ताजमहल के गेस्ट हाउस, तो इसके अंदर चलते हैं। तो ये मैं गेस्ट हाउस के अंदर, अलग अलग वेदर के हिसाब से कलर को चेंज करता है, इसको बोलते हैं ताजमहल का सनराइज व्यू, फिर आता है सनसेट व्यू, फिर आता है मूनलाइट व्यू। अच्छा। जिस तरीके का ताजमहल के मार्बल के अंदर आप लाइट लगाएंगे उसी तरीके का ताजमहल के अंदर लाइट पास करेगा, वो हम आपको बाहर दिखाएंगे। अच्छा। ताजमहल के अंदर अगर आप ब्लू लाइट लगाएंगे ताजमहल ब्लू हो जाएगा पूरा, ब्लैक लगा अगर ताजमहल को रात में देखेंगे तो एकदम ब्लैक दिखेगा, ताजमहल को अगर हम व्हाइट लाइट लगाएंगे तो व्हाइट निकलेगा, येलो लाइट लगाएंगे तो येलो लाइट निकलेगा। ताजमहल के अंदर स्पेशलिटी यही है मार्बल की, जो सी लाइट लगाएंगे वही से लगेगा पास करेगा। अच्छा, जो कलर की लाइट होगी उसी कलर का ताजमहल दिखेगा, वही वो दिखाएंगे हम लोग आपको। लाल वाला स्टोन जो देखें कॉर्नेलियन, जब रेड वाला स्टोन देखे तो बोलते कॉर्नेलियन, ये यमन से आता है। ये स्टोन की स्पेशलिटी है लाइट डालने में पूरा चमकता है, जब लाइट डालती है वो कैसे चमकता है कैसे चमकता है। तो अभी चल रहे हैं बाहर, काफी देर हमने यहाँ पे समय बिताया, काफी अच्छा भी लगा क्योंकि ऐसी जगहों पे आके रुको ना तो फिर आने का मतलब ही क्या बनता है। चलते हैं बाहर। अभी हम खड़े हैं ताजमहल के सामने मीना बाजार में, जो कि यहाँ पे लगती थी मीना बाजार, जस्ट ताजमहल के सामने है। तो यही कुछ ताजमहल की मार्केट लगती थी, यही वो जगह है। तो अभी लाल किले के सामने बैठे हुए हैं और ढाबे पे बैठे हुए हैं, नाश्ता हमने बोल दिया है भैया से, तो लाते हैं फिर खाते हैं और फिर चलते हैं लाल किला घूमने के लिए। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।